हेलो दोस्तों, आप सभी से उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। चलिए हम लोग क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 12.2 का किचन दिया हुआ है कि कई त्रिज्या कई सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाता है। वृत्त का जो है ना चाप एक केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाता है और यंत्रित करता है, तो कह रहा है कि ज्ञात कीजिए पहला चाप की लंबाई ज्ञात करना। जो ये चाप है दोस्तों, टोटल चाप का लंबाई ज्ञात करना है। फिर चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड, ये चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तीसरा और किचन है कि संगत जीवा द्वारा, जो जीवा होता है बताए थे पहले किचन में कि संगत जीवा वह रेखाखंड या वह रेखा जो वृत्त को दो भागों में बांट देता है, तो जीवा द्वारा, तो जीवा द्वारा ही बच रहा है, तो जीवा द्वारा बनाए गए वृत्त खंड का क्षेत्रफल बताना है, इसका बताना है क्षेत्रफल। तो पहला बताना दोस्तों चाप की लंबाई। तब जब इस तरह से रहता है तो वृत्त के त्रिज्यखंड पर चाप की लंबाई ज्ञात करने के लिए इसका फॉर्मूला होता है थीटा बटा 360 डिग्री गुना 2π r। पाई के मान इसमें नहीं दिया है तो हम 22/7 रखेंगे। जब दिया हुआ रहता है तब हम जो है उसका मान रखते हैं, जब नहीं दिया हुआ रहता है तब 22/7। तो थीटा का मान कितना दोस्तों 60, लिख देंगे 60। तो 360 गुना 2π के मान 22/7। आर का मान कितना दोस्तों 21, तो लिख देंगे यहाँ पर 21। सब 21 00 और 6 1 36, 3 2 6 3 1 3। तो दोस्तों चाप की लंबाई कितना 22 बच गया, तो 22 सेंटीमीटर चाप की लंबाई कितना गया दोस्तों 22 सेंटीमीटर। अब क्या कह रहा है इसमें ज्ञात करने के लिए आपको, इसमें ज्ञात करने के लिए और है देखिए, दूसरा चाप द्वारा बनाया गया त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो निकाल लेंगे दोस्तों दूसरा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा दोस्तों, थीटा बटा 360 डिग्री गुना पाई आर स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा, थीटा में 60 है दोस्तों, 360 गुना पाई के मान वही अपना 22/7 गुना आर के स्क्वायर है, तो 21 गुना 21। दोबार कर दीजिए, आर के माने 21 सेंटीमीटर, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, तो आर के माने 21 सेंटीमीटर हो गया दोस्तों। तो 17 के 21 एक कर जाएगा दोस्तों, 0 से 0 गया, 6 का 24, 6 बार में कट जाएगा 6 3 2 6 दोस्तों हो जाएगा, और ये कट जाएगा तो हो जाएगा 12 2 के 22। ये तो 21 गुना दोस्तों 11 हो जाएगा, तो गुना कर लीजिए 21 गुना 11 गुना करना है, 1 2 और 2 1 2 तो हो जाएगा दोस्तों ये कितना 1 3 231, यानी त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 231 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, क्या चीज है त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वृत्त का चाप जो है केंद्र के 60 डिग्री पर अंकित होता है, तो चाप की लंबाई, तो चाप की लंबाई कितना है दोस्तों 22 सेंटीमीटर, चाप की लंबाई 22 सेंटीमीटर ज्ञात हो गया। और त्रिज खंड का क्षेत्रफल निकाल लेंगे फॉर्मूला से, थीटा बटा 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर। तो थीटा का मान 60 डिग्री तो 60 डिग्री लिख दिए, और 360 तो 360 लिख दिए, ये कट जाएगा दोस्तों 6 बार में कट जाएगा, फिर 22 है, तो 17 के 21 कटेगा, 22 11 2 के 22, तो बच गया दोस्तों ऊपर में 21 और 11, नीचे नहीं है 21 से 11 का गुना 231 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा दोस्तों 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमको जो है तीसरा में ज्ञात करना है कि संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्त खंड का क्षेत्रफल। तो देखिए दोस्तों इसको आप 300 कर लीजिए, चल लिख लीजिए, इसको मिटाते हैं और आगे देखते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए, देखिए दोस्तों क्या चाहिए, संगत जीवा द्वारा बनाया गया वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो 3 नंबर है वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। वृत्त तो देखिए इसमें एक त्रिभुज बन रहा है, इसको नाम देते हैं ओ ए बी, त्रिभुज ओ ए बी, ये क्या समकोण त्रिभुज है, ये समकोण क्या है सॉरी दोस्तों सॉरी ये समबाहु त्रिभुज है। तो तीसरा निकालना वृत्तखंड का क्षेत्रफल किसके द्वारा, जीवा द्वारा बनाने के लिए, ये जीवा द्वारा ही बनाया गया वृत्तखंड। तो क्या करेंगे दोस्तों, इसमें जो टोटल एरिया कितना है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो लिख देंगे यहाँ पर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु
त्रिभुज का क्षेत्रफल, समाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। दोस्तों देखिए त्रिकोण का क्षेत्रफल कितना आया है 231, तो 231 माइनस समाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, फॉर्मूला कहता हूँ समाहु त्रिभुज का आने हो जाएगा √3/4 गुना भुजा स्क्वायर आर के स्क्वायर है, 21 गुना 21 कर दो, देखिए आर का मान कितना 21 है, तो भुजा स्क्वायर होता है, तो 231 माइनस ये गुना करेंगे दोस्तों ये दूनी 4 यानी 441 √3/4, इसको हल करेंगे तो हल भी कर सकते हैं, नहीं जितना हम क्या कर देंगे सेंटीमीटर स्क्वायर लिख देंगे। ये हो गया दोस्तों आपका क्या चीज, ये हो गया वृत्तखंड का क्षेत्रफल, जो वृत्तखंड संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा, संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। क्वेश्चन दोस्तों पांचवा था त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर, एक चाप केंद्र बनाता है जो 60 डिग्री का कोण निर्धारित करता है, तो चाप की लंबाई निकालेंगे दोस्तों तो 22 आया था 22 सेंटीमीटर, और चाप द्वारा बनाएगा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, चाप द्वारा बनाएगा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 231 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों। और आगे देखिए तीसरा का संगत जीवा द्वारा बनाएगा वृत्तखंड का क्षेत्रफल जिसे बताना था, तो कैसे ज्ञात हो जाएगा टोटल त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसका दोस्तों ये आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आई होप यू कि आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, जय हिंद।